Hello guys, very good evening everyone and welcome to the Engineer's Point and YouTube channel for the preparation of AN and JN examination. So I hope all of you are good and doing well. आप सबकी SSC JEE की preparation बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप सभी लोगों की preparation को ace करने के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए different initiative start करने की कोशिश करता हूँ. अभी हमारा थर्मोडायनेमिक्स का एक इनिशिएटिव हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ऑनगोइंग है, जिसमें हम क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की वर्कबुक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करते हैं. और ये जो थर्मोडायनेमिक्स की वर्कबुक है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मैकेनिकल बाय विशाल सर पे मिल जाएगी. और आज के हमारे इस सेशन में हम क्या करेंगे, रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग के आपके एसएससी जेईई एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चंस को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. रेफ्रिजरेशन में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है अराउंड 120-130 क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके एसएससी जेईई एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं. इन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के साथ साथ रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग का रिवीजन सेशन भी मैं वेडनेसडे या फिर थर्सडे से स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसकी क्लासेस आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, काफ़ी बेसिक और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो आपका 1 टन ऑफ जो रेफ्रिजरेशन होता है ये किसके इक्वल होता है. पहली चीज़, ये जो 1 टन ऑफ जो रेफ्रिजरेशन होती है, ये कोई वजन है, कोई मास है, कोई वेट है, ये क्या चीज़ है. बेसिकली अगर हम बात करें 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वी कैन से हीट एक्सट्रैक्शन. ठीक है, ये अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन है. अब ये हीट कहाँ से एक्सट्रैक्ट की जाती है, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि जब भी किसी स्पेस का टेम्परेचर हमें एम्बियंट टेम्परेचर के कंपेरिजन में कम करना होता है, तो हम उस स्पेस से क्या करते हैं, हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं. और जब हम वहाँ से हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाता है. जैसे ही उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोसेस है, एक सेकंड रुकिएगा, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये प्रोसेस वाइज प्रोसेस को हम कहते हैं रेफ्रिजरेशन प्रोसेस. और जो अमाउंट ऑफ हीट हमने एक्सट्रैक्ट की है इन ऑर्डर टू मेंटेन द लो टेम्परेचर, उसे हम कहते हैं हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट. आइडियल रेफ्रिजरेशन जो साइकिल होती है वो कार्नोट साइकिल के ऊपर काम करती है, रिवर्स कार्नोट साइकिल के ऊपर काम करती है. और ये रिवर्स कार्नोट साइकिल आपकी एक तरीके की रिवर्सिबल साइकिल होती है. तो अगर कोई भी साइकिल रिवर्सिबल साइकिल होती है तो उसके सभी प्रोसेसेस का रिवर्सिबल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो हम कह सकते हैं रिवर्स कार्नोट साइकिल में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे आपके रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं. रिवर्सिबल प्रोसेस होने के साथ साथ रिवर्स कार्नोट साइकिल में आपको ये पता होना चाहिए उसमें 2 आइसोथर्मल प्रोसेस और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं. दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस और दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं. तो उस केस में आप वहाँ पर COP का जब भी आप फॉर्मूला लगाएं तो टेम्परेचर लिमिट्स वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं. जब भी रिवर्सिबल साइकिल की बात होती है तो COP या फिर एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है वो टेम्परेचर लिमिट्स वाला वहाँ पर वैलिड होता है. जैसे अगर हम कार्नोट साइकिल की बात करें, रिवर्स कार्नोट साइकिल की बात करें, उसकी जो COP होगी, इट इज़ द रेशियो ऑफ लोअर टेम्परेचर टू द डिफरेंस बिटवीन द हायर टेम्परेचर एंड लोअर टेम्परेचर. अब हायर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, लोअर टेम्परेचर डिक्रीज करने पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आप फॉर्मूला के बेसिस पर कर सकते हैं. अब ये जो 1 टन जो रेफ्रिजरेशन होता है ना, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन, कहाँ से हीट निकाली जाती है. अगर आप 1 टन वाटर लेते हैं और उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, यस 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर अवेलेबल होता है, उस 0 डिग्री सेल्सियस वाले 1 टन वाटर से जब आप हीट एक्सट्रैक्ट करते हैं तो 24 घंटे में अगर आप उसको 0 डिग्री सेल्सियस वाली आइस में कन्वर्ट कर देंगे तो जितना अमाउंट ऑफ हीट आपने 24 घंटे में एक्सट्रैक्ट किया है वो क्या हो जाएगा, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन.
24 आवर्स में जब आप 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ आइस में कन्वर्ट करते हैं, सो देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर बट देर इज अ फेज चेंज अकर, तो वहां पर आप लेटेंट हीट का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज द अमाउंट ऑफ हीट इन ब्रैकेट लेटेंट हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द 1 टन ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इन टू आइस ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस इन 24 आवर। और इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 3.5 किलोवाट। 3.5 किलोवाट के साथ साथ इसके जो अदर वैल्यूज होती है वो भी आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ती है। एक तो होती है आपकी 210 किलो जूल पर मिनट, यही आपका 3.5 किलोवाट होता है, क्योंकि जब आप मिनट की जगह 60 सेकंड रखोगे तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 3.5 किलोवाट। और यही आपका हम कह सकते हैं 50 किलो कैलोरी, यही हम यहाँ पर कह सकते हैं 50 किलो कैलोरी पर मिनट होता है। तो ये तीनों वैल्यू आपको याद रखनी है, इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। एक फूड कंपार्टमेंट है, वहां पर रेफ्रिजरेटर यूज में लिया गया है, उसका टेम्परेचर हमने 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया, सो बेसिकली इट इज ए टीएल। और कितना अमाउंट ऑफ हीट हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, 360 किलो जूल पर मिनट। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है, 360 किलो जूल पर मिनट। और पावर कितनी है, 2 किलोवाट। तो पावर इनपुट कितना है, 2 किलोवाट। अब इस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को आप रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी में कन्वर्ट कर दीजिए, 360 डिवाइड बाय 60, सो इट विल बी 6 किलोवाट। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द सीओपी, सीओपी क्या होता है आपका, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट या फिर रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी डिवाइड बाय पावर इनपुट। सो व्हाट इज रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, 6 किलोवाट, व्हाट इज पावर इनपुट, 2 किलोवाट। तो जो सीओपी हो जाएगा वो हो जाएगा 3, सीओपी हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर हेयर कि सीओपी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर इसी को मैं एज ए हीट पंप यूज करूं, इसी को मैं अगर एज ए हीट पंप यूज करूं तो व्हाट विल बी द सीओपी ऑफ हीट पंप, इट विल बी 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स, सो वी कैन से सीओपी ऑफ हीट पंप will be always greater than the COP of refrigerator, and COP of refrigerator cannot be equal to zero. So therefore we can say that COP of heat pump will be always greater than one. लेकिन ध्यान रखिएगा, जो COP of refrigerator होता है it may be greater than one, it may be less than one, or it may be approximately equal to one. बट जो सी ओ पी ऑफ हीट पंप होता है इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन वन, और वी कैन से दैट सी ओ पी ऑफ हीट पंप कैन नॉट बी लेस देन वन, एक से कम नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, हीट पंप क्या करता है, हीट को पंप करता है। और थोड़ा सा और अगर हम इसमें जाएं, एफिशिएंसी ऑफ, अगर हम हीट इंजन की बात करें, रिवर्सिबल हीट इंजन की, तो वो होता है 1 माइनस में TL डिवाइड बाय TH, एंड इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय COP ऑफ हीट पंप वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट्स, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो। देखिएगा, हीट इंजन का काम क्या होता है, हीट इंजन इज ए वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, ये वर्क प्रोड्यूस करता है। हीट पंप का काम क्या करता है, क्या होता है, बेसिकली इट इज ए वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, and its function is to maintain the higher temperature. ये higher temperature को maintain करने के काम आता है। वहीं पर अगर हमें refrigerator की बात करें, it is also a work absorbing device and it is used to maintain the lower temperature. ठीक है, ये lower temperature को maintain करता है। चलिए, बहुत है इतना मेरे हिसाब से इस question में। Question number 3 पर आइए।
बेल कोलमन साइकिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसका डायग्राम देख के भी आपसे कुछ चीजें पूछी जा सकती है। जो बेल कोलमन साइकिल जो होती है वो कौन सी साइकिल होती है? रिवर्स स्टर्लिंग साइकिल होती है, रिवर्स कार्नोट साइकिल होती है, रिवर्स जूल साइकिल होती है, या फिर रिवर्स एटकिंसन साइकिल होती है? प्लीज बताइए। एंड दिस वीडियो विल बी प्रीमेड, सो दैट्स व्हाई आई कैन नॉट रिप्लाई यू। ठीक है, तो आप इस वीडियो को प्रीमियर होते वक्त भी देख सकते हैं और जब ये अपलोडिंग इसकी कंप्लीट हो जाएगी उस टाइम भी आप इसको देख सकते हैं। एंड इफ यू फील एनी डिफिकल्टी एंड इफ यू वॉन्ट टू गिव एनी फीडबैक यू कैन डू द कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए देखिएगा, जो बेल कोलमन साइकिल होती है बेसिकली इट इज ए रिवर्स जूल साइकिल। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। वैसे आप सभी लोगों को बहुत कुछ पता है, आप गलती कहाँ करोगे वो चीज़ मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने रिवर्स जूल साइकिल बनाते हैं और जूल साइकिल बनाते हैं, दोनों बनाते हैं। दोनों की बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, फिर थोड़ा सा मैं ऑटो साइकिल के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम से बना देते हैं या टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम से बना देते हैं ना। बनेगी तो दोनों सेम ही, बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट टू ईच अदर। एक का काम होगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को प्रोड्यूस करना और दूसरे का काम होगा वर्क प्रोड्यूस करना, नेटवर्क प्रोड्यूस करना। देखिएगा डायरेक्शन उल्टी है। ठीक है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है वो आपकी जूल साइकिल है और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है वो रिवर्स्ड जूल साइकिल है। रिवर्स बेल कोलमन साइकिल जो है ना, ये आपकी रिवर्स जूल साइकिल है। ठीक है, वन से टू यहाँ ले लो, वन से टू, थ्री से फोर, वन से टू यहाँ से ले लो कंप्रेशन, टू से थ्री, थ्री से फोर। नाउ यू कैन सी दैट ये जो जूल साइकिल होती है ना, ये दो प्रेशर्स के बीच में काम करती है, एक तो हाई प्रेशर एक लो प्रेशर। तो अगर मैं प्रेशर रेशियो की बात करूं तो प्रेशर रेशियो क्या होगा, P2/P1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा प्रेशर रेशियो विल बी ग्रेटर देन वन। आपकी जो जूल साइकिल होगी ना उसकी अपने एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं जूल साइकिल की, एंड दिस एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू वन माइनस में, ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ मैं। देखिएगा जो आपका प्रेशर रेशियो होता है ना बेटा, आरपी, इट इज इक्वल टू P2/P1 और कंप्रेशन रेशियो भी ले लो चाहे लेना चाहो। कंप्रेशन रेशियो होता है V1/V2। ठीक है, बोथ आर ग्रेटर देन वन, प्रेशर रेशियो इज ऑल्सो ग्रेटर देन वन, कंप्रेशन रेशियो इज ऑल्सो ग्रेटर देन वन। नाउ सी P2/P1 दैट इज प्रेशर रेशियो, इक्वल टू V1/V2 दैट इज कंप्रेशन रेशियो, इक्वल टू T2/T1 दैट इज टेम्परेचर रेशियो। यहाँ पे पावर आता है γ-1/γ, यहाँ पे पावर आता है γ-1। वट डज इट मीन, इट मीन्स प्रेशर रेशियो रेज टू द पावर γ-1/γ इक्वल टू कंप्रेशन रेशियो रेज टू द पावर γ-1 इक्वल टू वी कैन से T2/T1। तो आई होप ये थोड़ा सा आपको गैस जो लॉज है इनको समझने में दिक्कत नहीं हुई। नाउ सी,
दिस एफिशिएंसी विल बी ऑलवेज 1 माइनस ऑफ टी वन डिवाइड बाई टी टू। अगर मान लीजिए आप जूल साइकिल की एफिशिएंसी निकालोगे तो प्रेशर रेशियो यूज में लीजिएगा, प्रेशर रेशियो विल बी यूज फॉर जूल साइकिल। यू कैन यूज कंप्रेशन रेशियो ऑल्सो, बट इन जूल साइकिल मोस्ट ऑफ द टाइम डिफाइंड वर्किंग बिटवीन द टू प्रेशर लिमिट्स, वेर इज द ऑटो साइकिल इट विल बी डिफाइंड एज वर्किंग बिटवीन द टू वॉल्यूम लिमिट्स टी डी सी एंड बी डी सी। सो दैट्स वाई इन केस ऑफ द ऑटो साइकिल एफिशियंसी की टर्म में कंप्रेशन रेशियो आता है। तो मान लीजिए आप जूल साइकिल की एफिशियंसी निकाल रहे हो तो वन माइनस में टी वन बाई टी टू है, और ये ध्यान रखना T2 by T1 है, so it will be 1 divided by pressure ratio, और जब भी pressure ratio आता है ना, it will be raised to the power gamma minus 1 divided by gamma, and you know that what is gamma? It is the ratio of the specific heat, Cp upon Cv, और जब भी आप auto cycle की बात करोगे, तो 1 minus में 1 divided by compression ratio, कंप्रेशन रेशियो रेज टू द पावर गामा माइनस वन। आर सी इज कंप्रेशन रेशियो, आर पी इज प्रेशर रेशियो। अब आपके मन में आ रहा है सर डीजल का भी बता दो, तो देखो डीजल इज वेरी सिंपल, डीजल इज ऑल्सो आईसी इंजन। तो पहले ऑटो की एफिशिएंसी लिखो, वन माइनस में वन डिवाइड बाय कंप्रेशन रेशियो रेज टू द पावर गामा माइनस वन, और ये एफिशिएंसी का फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एफिशिएंसी के फॉर्मूले से क्वेश्चन बनेगा, डीजल साइकिल में कंप्रेशन रेशियो के साथ साथ एक रेशियो और आता है, और उस रेशियो को नाम होता है कट ऑफ रेशियो। तो कट ऑफ रेशियो रेज टू द पावर गामा माइनस वन, एंड गामा कट ऑफ रेशियो माइनस वन। ध्यान रखिएगा डीजल साइकिल के एफिशिएंसी में गामा नीचे लटकता हुआ आपको मिलेगा, ओके। तो हेयर गामा विल बी द कट ऑफ रेशियो, सॉरी रो विल बी द कट ऑफ रेशियो। अगर हम बात करते हैं रो की, तो रो क्या हो जाएगा आपका कट ऑफ रेशियो। कट ऑफ रेशियो मतलब क्या है, रो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका वी वन से टू, टू से थ्री, तो ये हो जाएगा आपका वी थ्री बाई वी टू। वी थ्री बाई वी टू का मतलब क्या होगा, आपको पहले तो डीजल साइकिल बनानी आनी चाहिए। तो 2 से 3 में हीट एडिशन प्रोसेस होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, सो V3 इज वॉल्यूम एट द फ्यूल सप्लाई कट ऑफ, V2 इज वॉल्यूम एट द स्टार्टिंग ऑफ द फ्यूल सप्लाई। जब फ्यूल सप्लाई शुरू करते हो उस टाइम का वॉल्यूम V2, जहां पर फ्यूल सप्लाई कट कर देते हो उस टाइम का वॉल्यूम V3। देन कट ऑफ रेशियो विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन टर्म्स ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द डीजल साइकिल, ओके। सो नाउ इट इज क्लियर, रिवर्स जूल साइकिल इसमें एफिशिएंसी होती है और रिवर्स जूल साइकिल में सीओपी होती है। नाउ लेट्स कम टू द सीओपी। अगर हमें रिवर्स्ड जूल साइकिल की सीओपी निकालनी हो, या फिर मैं इसको आरबीसी लिख देता हूँ, रिवर्स ब्रेटन साइकिल, इट विल बी डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ द प्रेशर रेशियो। क्योंकि जब एफिशिएंसी प्रेशर रेशियो की टर्म्स में है तो COP भी प्रेशर रेशियो के टर्म्स में होगा, सो इट विल बी प्रेशर रेशियो। और हमेशा प्रेशर रेशियो की पावर में क्या आता है, देख लो, हमेशा प्रेशर रेशियो की पावर में आता है गामा माइनस वन डिवाइड बाय गामा। तो यहाँ आ जाएगा गामा माइनस वन डिवाइड बाय गामा माइनस वन। So there was problem with the electricity. Sorry for that. So COP of RBC is equals to 1 divided by pressure ratio raised to the power gamma minus 1 divided by gamma. ठीक है? चलिए question number 4 पर आइए। The expansion process in the throttling device in a vapor compression refrigeration cycle. So here we are talking about VCRS.
वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स की मैं बात करूं तो चार कंपोनेंट्स इसमें यूज में लिए जाते हैं। एक तो होता है आपका कंप्रेसर, एक होता है आपका कंडेंसर, एक होता है आपका थ्रोटलिंग डिवाइस और एक होता है आपका इवेपोरेटर। कंप्रेसर में होता है आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन, कंडेंसर में होता है आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन और थ्रोटलिंग में होता है आपका आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन और इवेपोरेटर में होता है आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। दिस हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस फॉर विद रिस्पेक्ट टू द रेफ्रिजरेंट, है ना, सिस्टम में नहीं हो रहा है। रेफ्रिजरेंट हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। रेफ्रिजरेंट हीट को रिजेक्ट कर रहा है, दैट इज कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस इन द इवेपोरेटर एंड कंडेंसर रिस्पेक्टिवली। थ्रोटलिंग डिवाइस में जो प्रोसेस होता है आपका वो होता है आपका आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। और लेट्स टॉक अबाउट द थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस के बारे में आपको क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। बेसिकली जो ये थ्रोटलिंग प्रोसेस होता है आपका, ये एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, ठीक है। एक चीज तो ये याद रखनी है क्योंकि ये प्रोसेस काफी फास्ट है। थ्रोटलिंग प्रोसेस होता कि इसमें अगर हम बात करते हैं पोरस प्लग में, पोरस प्लग जैसे आपने देखा होगा आपके जो वाटर प्योरीफायर होते हैं उसमें जो कैंडल जो लगी होती है वो पोरस प्लग जैसी होती है, छोटी सी होती है, ठीक है। और फ्लो थ्रू द पार्शियली ओपन्ड वॉल्व, फ्लो थ्रू द रिस्ट्रिक्टेड पैसेज, मतलब जहां पर फ्लो का रिस्ट्रिक्शन हो उस फ्लो को हम क्या कहते हैं, उस फ्लो को हम कहते हैं थ्रोटलिंग फ्लो। एंड ड्यूरिंग दिस थ्रोटलिंग फ्लो इट टेक्स प्लेस वेरी फास्ट। तो ये आपका एक तरीके का एडियाबेटिक प्रोसेस है एंड बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये एक तरीके का इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस है। जिसमें आपका जो एंट्रोपी होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब देखिएगा थ्रोटलिंग प्रोसेस एक तरीके का इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर थ्रोटलिंग प्रोसेस एक तरीके का इरिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब चार प्रोसेस होंगे आपके वीसीआर साइकिल में, उसमें से एक प्रोसेस ऐसा है जिसका नाम है थ्रोटलिंग और वो थ्रोटलिंग प्रोसेस भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो चार प्रोसेस में अगर एक भी प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाता है, प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं, किसी साइकिल के सभी प्रोसेसेस में अगर एक भी प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाता है तो वो साइकिल इरिवर्सिबल कहलाती है। वो साइकिल क्या कहलाती है, इरिवर्सिबल कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी साइकिल को रिवर्सिबल होने के लिए उसके जितने भी प्रोसेस होते हैं उन सभी का रिवर्सिबल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अगर उस साइकिल में एक भी प्रोसेस इरिवर्सिबल हो जाएगा तो वो साइकिल इरिवर्सिबल साइकिल कहलाएगी। अब देखिए इसमें थ्रोटलिंग प्रोसेस में चेंज इन, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें ऑलमोस्ट जीरो है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें ऑलमोस्ट जीरो है, डेल क्यू यहाँ पे जीरो है, कोई भी यहाँ पे वर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम वर्क जीरो है आपका। तो हम कह सकते हैं थ्रोटलिंग प्रोसेस में आपका जो एंथैल्पी होता है वो बराबर होता है। अब जब थ्रोटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी बराबर होता है तो उस प्रोसेस को हम आइसेंथैल्पिक प्रोसेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस बोल सकते हैं। और थ्रोटलिंग प्रोसेस में ड्यू टू फ्रिक्शन हमेशा प्रेशर ड्रॉप होता है, हमेशा प्रेशर ड्रॉप होता है। नाउ लेट सी, अब आपके जो वर्किंग फ्लूड होते हैं उनको मैं ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं।
एक तो गैसेस के लिए अगर हम बात कर लेते हैं आइडियल गैस, और एक हम बात कर लेते हैं रियल फ्लूइड, जैसे रेफ्रिजरेंट। आइडियल गैस जैसे एयर। नाउ सी, यू नो दैट आइडियल गैस की जो एंथैल्पी होती है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो अगर थ्रोटलिंग प्रोसेस होगा, तो थ्रोटलिंग प्रोसेस में अगर एंथैल्पी कांस्टेंट होगी, तो डेफिनेटली टेम्परेचर विल बी आल्सो कांस्टेंट। मतलब एयर की थ्रोटलिंग कराओगे तो टेम्परेचर और एंथैल्पी दोनों कांस्टेंट रहेंगे। एयर का अगर आप थ्रोटलिंग प्रोसेस कराते हो, तो टेम्परेचर और एंथैल्पी दोनों कांस्टेंट रहेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ, जो रियल फ्लूइड होते हैं, उनका चेक किया जाता है जूल थॉम्सन कोफिशियंट। व्हाट इज जूल थॉम्सन कोफिशियंट? TPH, डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है? कॉन्स्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस पर, यानी थ्रॉटलिंग प्रोसेस पर, थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज कॉन्स्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस। तो कॉन्स्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस पर जब आप थ्रॉटलिंग प्रोसेस कराते हो, तो प्रेशर के डिक्रीज होने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, उसके बेसिस पर जूल थॉम्सन कॉफिशियंट डिसाइड किया जाता है। सो यू नो दैट अगर हम थ्रॉटलिंग करते हैं, तो प्रेशर, टेम्परेचर, और यहाँ बात करते हैं जूल थॉम्सन कॉफिशियंट की, है ना? मान लीजिए जूल थॉम्सन कॉफिशियंट इज पॉजिटिव। व्हाट डज इट मीन? ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस जब प्रेशर डिक्रीज होगा, देन टेम्परेचर विल बी आल्सो डिक्रीज। तो जिनका जूल थॉम्सन कॉफिशियंट पॉजिटिव होता है, ऐसे वर्किंग फ्लूइड को एज ए हम रेफ्रिजरेंट यूज में लेते हैं। लेकिन वहीं पे ऐसे वर्किंग फ्लूइड जिनका जूल थॉम्सन कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, तो जब उनका थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है, तो प्रेशर डिक्रीज होने पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है। जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इज नथिंग, इट इज स्लोप, स्लोप ऑफ टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी। अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है, तो स्लोप पॉजिटिव है, जूल थॉम्सन कॉफिशियंट पॉजिटिव है। अगर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, देन स्लोप नेगेटिव है, तो जूल थॉम्सन कॉफिशियंट भी आपका नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव वाला तो रेफ्रिजरेंट होता है, नेगेटिव वाला रेफ्रिजरेंट की तरह हम यूज में नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है ना? थोड़ा सा आइडियल गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, रियल फ्लूइड में अगर जूल थॉम्सन कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ड्यूरिंग थ्रॉटलिंग प्रोसेस विद डिक्रीज इन द प्रेशर देयर विल बी डिक्रीज इन द टेम्परेचर आल्सो। व्हाइल इफ द जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इज नेगेटिव, सो व्हेनेवर देयर इज अ वर्किंग फ्लूइड हुज जूल थॉम्सन कोफिशिएंट इज नेगेटिव एंड इट गोइंग थ्रू द थ्रॉटलिंग प्रोसेस, व्हेनेवर द प्रेशर विल डिक्रीज साइमल्टेनियसली टेम्परेचर विल इंक्रीज ड्यू टू द नेगेटिव जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। एंड इनके जो एग्जाम्पल्स है वो हम ले सकते हैं, हाइड्रोजन वगैरह हो गया, इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए, तो थ्रॉटलिंग प्रोसेस अपनों ने पूरा डिटेल में डील कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। अब अपने, मैं यहाँ पे आपको रिवीजन भी करा रहा हूँ, रिवीजन थ्रू क्वेश्चन है ये। ठीक है, ऐसा मत समझना कि हमने 5 ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। हमने यहाँ पर VCRS का पूरा रिविजन कर लिया, हमने यहाँ पर थ्रॉटलिंग प्रोसेस का पूरा रिविजन कर लिया, हमने यहाँ पर VCRS में कितने प्रोसेस होते हैं उसकी सारी हमने यहाँ पे चर्चा की है, और आपका वन टन रेफ्रिजरेशन के बारे में पूरा डिटेल में हमने डील किया है, COP के बारे में, एफिशिएंसी के बारे में, रिवर्स ब्रेटन साइकिल के बारे में, ऑटो साइकिल के बारे में, डीजल साइकिल के बारे में, इन सभी के बारे में हमने क्या किया है, एफिशिएंसी तक को डील किया है। तो डोंट थिंक दैट वी आर सॉल्विंग ओनली 5 क्वेश्चन, बट हेयर वी आर गेटिंग knowledge of more than 10 to 15 questions in the class. So now air refrigeration is
प्रेफरेबली यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो एयर रेफ्रिजरेशन में हम क्या यूज में लेते हैं? एयर विल बी यूज्ड एज अ वर्किंग फ्लूइड। तो एयर क्या होगा आपका? एज अ वर्किंग फ्लूइड यूज में लिया जाएगा। जब एयर आपका एज अ वर्किंग फ्लूइड यूज में लिया जाएगा, तो उस केस में हम देखते हैं कि जो आपकी एयर वर्किंग फ्लूइड यूज में लिया जाता है रिवर्स ब्रेटन साइकिल में, तो रिवर्स ब्रेटन साइकिल का वेट पर यूनिट अगर हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो वो कम होता है, हल्की होती है ये साइकिल। इट्स वेट पर टन ऑफ द रेफ्रिजरेशन विल बी लो। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, दो तरीके से पूछ सकता है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी पर यूनिट वेट या फिर वेट पर यूनिट रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। तो ध्यान रखिएगा, वेट मिनिमम होता है ना, फिर वेट विल बी मिनिमम। अगर वेट मिनिमम होगा, देन दिस रेशियो विल बी मैक्सिमम। दिस वेट विल बी मिनिमम, देन दिस रेशियो विल बी मिनिमम। सो इट्स वेट पर टन रेफ्रिजरेशन, वेट पर टन रेफ्रिजरेशन विल बी लो। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आई होप चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और सभी लोगों से दरख्वास्त है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे। और साथ ही साथ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपका नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाला है, तो उसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। सो ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।